जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पिएंगे घूट घूट पी, जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पी। अरे जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जाता जी? जूस की जगह फ्रूट क्यों से खाया जाता? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है। फल खाना, क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर चल डाल दिए जाते हैं। जूस से डकार जाती है, फ्रूट खाते खाते डकार जाती है। ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं, नहीं खा सकते कोई कारण से, कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा लें। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, आपके पेट को साफ करेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, क्योंकि वो झाड़ू और पोछे के जैसा है फाइबर। जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना जो सफाई करने में, सारा फाइबर आपके शरीर को साफ करता है, इसलिए फाइबर जाना ही चाहिए पेट में। अब जूस के साथ नहीं ले पाते तो पीछे से खा लीजिए, या पहले खा लीजिए बाद में जूस पी लीजिए, फाइबर होना ही चाहिए। दो सूत्र हो गए, केला सबसे अच्छा होता है सुबह, हर फल सुबह सबसे अच्छा है, दोपहर को थोड़ा कम अच्छा है, रात को बिल्कुल अच्छा नहीं,